तीन रह गए, तीन बच्चे हैं, तीन स्टार्ट करो आज का ब्लॉग कर दो, बोलो जल्दी से, बोलो फटाफट से। नहीं नहीं आप बोटिंग करने। अच्छा अच्छा तो सबको हैप्पी क्रिसमस तो बोला ही नहीं आपने। नहीं बोल ब्लॉग थोड़े से लेट आ रहे हैं उसके लिए सॉरी, और तहे दिल से सॉरी, बट क्या करूँ, मेरे को थोड़ा सा बीच में मैं बिजी हो गई थी। किस चीज़ में बिजी हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैरी क्रिसमस जिस दिन था उस दिन अदिति के स्कूल में बोला था कि कुछ भी घर पे जो बेस्टेज चीज़ें पड़ी हो, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, उससे आपको कुछ ना कुछ बना के भेजना है। तो हमने यहाँ पर मैरी क्रिसमस का कार्ड बना के भेजा था जो कि बहुत प्यारा था, सबसे अच्छा निकला क्लास में अदिति के। मैं जो सारे बच्चे लेके गए थे उनमें सबसे अच्छा अदिति का था। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसको बना के दिया था घर पर ही, और उसके अंदर कुछ लिखा था हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं लिखा कुछ भी, बट ये था कि अदिति ने मेरे को बहुत परेशान किया इसके लिए, तो बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हो गया। मैंने मेरी फुल कोशिश करी बनाने की अच्छे से अच्छा बनाऊं, तो सबसे बेस्ट निकला, इसलिए मुझे बहुत खुशी है आज के अदिति का सबसे बेस्ट। हम जा रहे हैं आज क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए किसी फ्रेंड के यहाँ पर घूमने, तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ जल्दी से। और हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू नन्नू मीना ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाय अदिति, ये देखो हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, और ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे हम लोग घूमने जा रहे हैं, वो बहुत ही पास में है वो जगह। और ये देखो, तो वहाँ पे आपको हम लोग बहुत अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे, बोटिंग करेंगे और भी देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बट जो भी होगा पक्का आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग, ठीक है शायद। क्या कर रहे हो, क्या करने आए हो, क्या नहीं खाना? डोसा भी नहीं आज? ऐसा क्यों, भूख नहीं है? नन्नू क्या खाएगा, नन्नू क्या खाओगे? अगर मैं खाना चाहूंगी तो वो खाऊंगी, वो छोड़ वो नहीं मिलेंगे। अरे वो दूसरा नन्नू आप क्या खाओगे? बल्ले। नन्नू आप क्या खाओगे? ओके आज बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज क्रिसमस है और 9:30 हो रहा है सुबह का। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं कुडलूर के लिए। कुडलूर के किसके पास जा रहे हैं, हमारी एक फ्रेंड है, जैसे हम डायरेक्ट तो नहीं जानते उनको बट काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। ये रास्ते का व्यू था जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूँ, और वहाँ पर पहुँच कर मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सब कुछ। नीचे कर गर्दन थोड़ी सी, हमें भी वो, हाँ आपका मस्त लग रही काजल जैसे है। अब गनी नाइट कर आज करने जाएगा 8 बजे, तो कल पूरे दिन डे और काजल, फिर अगले दिन एक और मिलेगा। ये बहुत बीमार होती है दीदी, एक बार लास्ट में सब को ट्राई कर रहे हैं, तीन पी रही है, तीन पी रही है, पानी पी रही है, हां क्या वो छाछ के आलू, छाछ के आलू, अरे ये स्टेटस पे मेरे नहीं लगाने देते मुझे कुछ। वही तो कह रहे हैं, नन्नू नहीं खाना, नहीं बहुत टेस्टी है अदिति, देख देखने में अच्छा लग रहा है। तो अब ऐसे तो सब लोग ये बोलते तुम लोग ढाबा खोल लो, तुमने मियां भी खोल लो रेस्टोरेंट हल्का सा, मैं रिटायर होने के बाद खोलेंगे। बुढ़ापा नहीं, ऐसे खोल लो, मैं बताऊं दीदी, रजिस्टर लेके आओगे इसके साथ में, चलेगी। हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग तो मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दिया था, और आज हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजडी हुई है, वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। जो सोचा था वो नहीं हुआ, जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो चीज़ नहीं हो पाई, और बड़ा बुरा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और हम लोग आए हुए हैं कुडलूर, कुडलूर में हमारी एक फ्रेंड है उसके घर पर आए हुए हैं हम,
वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं वो भैया। तो नन्नू आ जाओ। तो अभी हम लोग सारा काम वगैरह मतलब खाना वाना तो नहीं खाया हमने, क्योंकि हम नाश्ता वगैरह करके आए थे रास्ते में से। और अभी हम लोग उनके घर पे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बीच की साइड घूमने के लिए। और हमारा जो प्लान था वो फेल हो गया। क्या था वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद में। और गोपाल भैया वो भी आ रहे हैं अभी पौंडीचेरी से, तो फिर हम लोग जाएंगे घूमने बीच पे और वहीं पे देखते हैं क्या हो पाता क्या नहीं हो पाता, क्योंकि जो करना था वो तो नहीं हुआ। और अभी मैं उनकी छत पे आई हूँ। घर काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनका। इनका घर बिल्कुल खुला खुला है और 6,000 का ले रखा है, 2 रूम 1 हॉल और दोनों में अटैच लेटरिन बाथरूम। रसोई बहुत प्यारी है इनकी, मैं दिखाऊंगी अगर मेरे से हो पाएगा तो। और गाने चल रहे हैं नीचे, सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और मैं और नन्नू आए हैं ऊपर आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि नीचे इतनी आवाज़ हो रही थी तो बात नहीं कर पाती मैं। तो मैंने सोचा आपसे नीचे जाके बात करती हूँ। जल्दी से चलते हैं नीचे, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। और वो देखो नन्नू, ओके बाय, धीरे से तो धीरे। तो चलते हैं नीचे और फिर उसके बाद चलेंगे बीच पे। क्या क्या प्लान है वो तो आगे आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं नीचे। आ जाओ, आ जाओ बीबी, उनका मकान का जो पोर्शन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन था, बहुत अच्छी जगह पे था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, हल्ला गुल्ला नहीं था बिल्कुल भी। तो ये उनके ऊपर वाला पोर्शन था, बट वो रहती हैं सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे मुझे याद नहीं है, शायद फर्स्ट फ्लोर पर था। काफ़ी अच्छा पोर्शन था उनका, मुझे तो बहुत पसंद आया। और सामने का जो व्यू था वो तो उसका तो क्या कहना। अब हम लोग निकल चुके हैं बीच के लिए, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए हमारे साथ साथ। पौंडीचेरी में मकान ही नहीं है ऐसे, दीदी हमारे बीच की वजह। तुम यहाँ कौन कौन है जो कुडलूर में रहता है और मेरे ब्लॉग देखता है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम आए तो पक्का आप लोगों से मिल सके। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई सब्सक्राइबर मिलता है या फिर कोई बोलता है कि आप हम आपके वीडियोस देखते हैं। तो हम यहाँ पे बीच पे पहुँच चुके हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं था बट छोटा सा था, पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी हमारे पौंडीचेरी वाले बीच के बजाय। और यहाँ पर कहीं से बाहर से एक बस भर के बहुत सारे लोग आए हुए लो। दीदी दीदी भैया करे सब देख सभी जब ये तो थोड़ा बहुत आते रहेंगे, कोई ज्यादा अंदर तो नहीं जा रहा। देख लो तो अंदर जावे, इसकी मना ही है। सुसु करेगी शायद, कर दी इल्ला कर दी क्या तरह है। नन्नू आप बताओ कैसे किया। नन्नू कैसे किया बताना, कैसे किया, कैसे किया बताना, बिजली बता कैसे किया, कैसे किया, सर्दी कैसे लगी सर्दी। हाँ
हमारे वाले बीच के बजाय जो पौंडीचेरी का जो बीच है उसके बजाय ये काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को खेलने के लिए झूले और बहुत सारी और चीज़ें थी, बोटिंग वगैरह सब कुछ था, और पानी इतना साफ था हमारे वहाँ के बजाय बहुत ज़्यादा। बहुत मज़ा किया हमने, बहुत इन्जॉय किया। और फोटोज़ बहुत ही प्यारी प्यारी आई थी इनके, जो हम जिनके घर पे गए थे उनके पास कैमरा था, तो काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आई थी। मैं शेयर करूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम कुछ और पर्पज़ से गए थे बट वो नहीं हो पाया था, पर जो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर हमने यहाँ पर इतना इन्जॉय किया। मैं कभी भी पौंडीचेरी वाले बीच पर कभी भी नहीं नहाई, बट यहाँ पर हमने खूब नहाया, खूब मज़े किए। बच्चों ने इतना मज़े किए कि आप सोच नहीं सकते, इतना मज़ा किया था बच्चों ने। तीन रह गए, तीन बच्चे हैं, तीन एक और हाँ जी गोपाल भैया आ रहा पास फैल फैल जोर से चार बच रहे हैं, चार अगर ऐसे ही ले जाते वापस तो यार एक बार गरज कोशिश करो। कौन है हैवी ड्राइवर? हैवी ड्राइवर कौन है? नीचे नीचे ज्यादा ही नीचे गई। ए यार एक रह गया यार, एक रह गया। तो हम लोगों ने निशाना वगैरह लगाया, सब ने बहुत इन्जॉय किया रियली में, बट बच्चों को इतनी भयंकर सर्दी लगने लग गई थी, हवा चल रही थी बहुत भयंकर वाली, और वहीं साथ के साथ हमको और बहुत सारी फैमिली मिल गई थी। और पौंडीचेरी से जो सामने जो दो भैया खड़े हैं ये भी आ गए थे, मुकेश भैया और गोपाल भैया। उसके बाद हमने इसमें सामने जो ट्रेन चल रही है इसमें हमने खूब मज़े किए, खूब मज़े किए हमने, बाद में बैठेंगे अभी। बट बच्चों को इतनी सर्दी लग रही थी कि हमने उनके कपड़े खोले, सुखाए थोड़े से, क्योंकि लेके तो हम आए नहीं थे, हमने नहीं सोचा था कि हम लोग नहाएंगे, और लेके आए थे वो डिक्की में, डिक्की मतलब गाड़ी दूर खड़ी हुई थी हमारी जहाँ पे हम थे वहाँ से। काफी मजा आया, बहुत ही अच्छा बीच लगा, मैं दोबारा जरूर जाऊंगी। और अब हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में और अभी ट्रेन चलने वाली है, बट मैं कैमरा लेना भूल गई थी, वैसे ऐसे गलतियां होती रहती हैं थोड़ी बहुत। कैमरा अगर मैं उसमें लेती तो बहुत मज़ा आता, कसम से इतना मज़ा आ रहा था। कभी तो धीरे थी ट्रेन, कभी बहुत तेज़ थी, कभी बिल्कुल धीरे थी, कभी बहुत तेज़ थी, इतना मज़ा किया हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आज। अब तो ड्रैगन ही थक गया, पीछे की साइड में कौन को मासूम बच्चा बैठा हुआ है, पीछे भी देखो ड्रैगन ही थक गया ड्रैगन।
भाई जब तक बैटरी खत्म नहीं हो जाए जब तक नहीं रोका है वो। ठीक ही नहीं रो मो तो बना रो जाने भगवान जाने। अब रोक दी शायद अब रोक है मत रोक ये बस अभी तो पैसा वसूल नहीं हुए माता बैठ रहे हम नहीं आ रहे। और कुडलूर में हमको बहुत सारी फैमिलीज और मिल गई थी सामने, कम से कम 3-4 फैमिली मिल गई थी, तो बहुत मज़ा किया। इसके आगे का ब्लॉग मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी जो भी था वो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कैसा लगा ज़रूर बताना।